हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लाइव स्केट में। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी काफी जबरदस्त, काफी शानदार तरीके से चल रही होगी। गाइज, बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं और बहुत सारे लर्नर्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका जवाब मैं दूंगा। साथ ही कुछ नए अपडेट्स है। पहला मैं बता दूं कि इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। पहला सवाल ये कि क्या फिर से फॉर्म आपका रीओपन होने वाला है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी बात ये कि क्या फिर से आपको फॉर्म में करेक्शन करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि क्या फिर से एग्जाम डेट बढ़ सकता है। चौथा पॉइंट ये है कि क्या आप लोगों का एग्जाम सेंटर चेंज करने का ऑप्शन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इन तमाम सवालों का जवाब जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और हर एक नए अपडेट के लिए अनस्टॉलाइज अकेडमी को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे ना छूटे। वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले एक जरूरी सूचना आप लोगों के लिए है। देखो गाइस, तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप वेट करोगे एग्जामिनेशन का और न्यू फॉर्म का तो गाइस उसमें बहुत ज्यादा आपको टाइम लगने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हो कि दिसंबर वाला फॉर्म भर लूंगा, इसमें मेरी तैयारी नहीं हुई है, तो गाइस इस चीज को अपने मन से निकालो, दूर करो, बिकॉज ये चांस अच्छा मिल रहा है आप लोगों को और टाइम भी अभी अच्छा खासा मिल गया है, तो जस्ट इसी में क्रैक डाउन करो, अपने ड्रीम्स को पूरा करो। अब आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल, क्या फॉर्म रीओपन होने वाला है? तो नहीं, बड़ा वाला नहीं, फॉर्म रीओपन नहीं होने वाला है। मैंने सोर्सेस से बात किया है, उनका मानना यह है कि फॉर्म रीओपन नहीं होने वाला है। दूसरा सवाल, क्या आपका एग्जाम डेट बढ़ने वाला है? तो इसको सबसे लास्ट में करेंगे। उससे पहले जो लास्ट वाला क्वेश्चन था कि क्या सेंटर चेंज करने का आपको ऑप्शन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, तो गाइज इसके लिए भी एक बड़ा सा नो है कि आपको अब सेंटर चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा अभी तक। बिकॉज अभी तक जो अपडेट्स निकल के आए हैं उसमें मुझे ये पता चला है कि आपको फॉर्म जो है उसमें करेक्शन करने का या फॉर्म में सेंटर चेंज करने का ऑप्शन अभी तक आपको अवेलेबल नहीं होगा। तो हमने लगभग एक से डेढ़ मिनट में तीन सवाल ले लिए हैं। चौथा सवाल थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा नाजुक किस्म का है, यू कहूं तो वो थोड़ा सा सोचने वाला है। सवाल ये है कि क्या फिर से एग्जाम पोस्टपोन्ड हो सकता है क्या? तो देखो गाइस, एनटीए है और एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, आप सभी जानते हैं। और इनका अगर पिछले कई सालों का अगर मैं डाटा देखूं, यू कहा जाए तो जितने भी एग्जामिनेशन अभी हुए हैं, 3, 4, 5 जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं, उन तमाम एग्जामिनेशन को देखा जाए तो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन सबसे ज्यादा डिले चला है। देखो एग्जामिनेशन सभी के डिले चले हैं, लेकिन यूजीसी नेट का स्पेशली बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन डिले चला है। अब इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है, आप लोगों को पता है। वो कभी कह देते हैं कि हमारा टेक्निकल ग्लिच चल रहा है, कभी वो कह देते हैं कि देखो भैया ये फेस्टिवल चल रहे हैं, कभी ये कह देते हैं कि ये बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि अभी उनको सेंटर एग्जामिनेशन वगैरह नहीं देने, बहुत सारी चीजें आ जाती है। कभी वो कह देते हैं कि फेस्टिवल का टाइम चल रहा है। तो गाइज एनटीए कभी भी सीरियस अभी, मतलब कि एक दो सालों से अगर मैं देखूं, 2020 से 2022 का अगर आप सफर देखें, तो एनटीए थोड़ा भी सीरियसनेस नहीं दिखा रही है नेट एग्जामिनेशन को लेकर के। क्योंकि अगर वो दे रही होती तो देखो ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन वो ले नहीं रही है, लेकिन यूजीसी नेट का स्पेशली एग्जामिनेशन नहीं होता है, आप सभी को पता है। जेई मेन वाला वो एग्जामिनेशन ले ही रही है, अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट वाला एग्जामिनेशन ले ही रही है, और भी बहुत सारे डिफरेंट तरीके की एग्जामिनेशन ले ही रही है। तो भैया आप यूजीसी का एग्जामिनेशन क्यों नहीं ले रहे हो, क्या रीजन है, यूजीसी के एग्जामिनेशन से आपको इतना चिढ़ क्यों है? ठीक है, तो ये यूजीसी के एग्जामिनेशन को जानबूझ के डिले कर रहे हैं, क्या है नहीं है, इस चीज को जानना शायद मुश्किल है। लेकिन मैं अगर अपने अकॉर्डिंग देखूं तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जानबूझ के एनटीए ऐसा कर रही है, क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर तरीके का डाटा एनालिसिस नहीं है जिससे वो कह पाए कि हाँ हमारा एग्जाम जो डेट हमने फिक्स कर दिया उसी डेट पे होगा। आप देखें तो बहुत सारे एग्जामिनेशन डेट अभी चेंज हुए हैं, तो हो सकता है मे बी कि अभी जो आपका सितंबर, जो 20 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर को एग्जाम होने वाला है, उसमें कहीं थोड़े से वेरिएशन आपको देखने को मिले। अब जो भी होगा वो आपको 15 दिन 20 दिन के बाद देखने पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक जो है वो टू द पॉइंट ये है कि आपका 20 से 30 सितंबर के बीच में एग्जामिनेशन होगा ही होगा। इस चीज को आपको गांठ बांध के रखनी है, क्योंकि ऑलरेडी ये एग्जामिनेशन बहुत डिले हो चुका है। अगर ये सितंबर में एग्जामिनेशन नहीं लेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। ब्लंडर मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो इस तरीके से एग्जामिनेशन नहीं लेते हैं तो फिर से ये होगा कि दिसंबर वाला 2022 के एग्जाम 2023 के एग्जामिनेशन के साथ फिर से कोलैप्स कर देंगे, ये मर्ज कर देंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा घटिया प्रोसेस मुझे लगता है। क्योंकि यहाँ पे बच्चों को रिजल्ट प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, एग्जामिनेशन प्रोसेस में टाइम लगता है, और तैयारी का जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा लार्ज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वो सितंबर में एग्जाम लेंगे, ठीक है, लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि कितने सटीक ये होने वाला है, बिकॉज ये एनटीए है, कभी भी किसी भी समय कुछ भी कर देती है, और वो भी करती है तो 4 दिन पहले करती है, समझ रहे हो ना। तो अभी देखते हैं क्या एडमिट कार्ड आता है या नहीं आता है।
या आपका एग्जाम डेट शीट आता है या नहीं आता, तो ये तमाम अपडेट्स आएंगे, बहुत जल्द आ जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। अब सवाल ये है कि एग्जामिनेशन आपके होंगे तो होंगे, डिट्टो होंगे और उसी डेट पे भी होंगे, तो आपको तैयारी उसी तरीके से करनी है। कल मैंने एक वीडियो अरेंजमेंट करा हुआ था कि आप कैसे आप अपना फर्स्ट टाइम में ही या आप जब भी एग्जाम देना चाहते हैं कि कब आप क्रैक कर सकते हो, कैसे क्रैक कर सकते हो, वीडियो पूरा नहीं हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूं। देखो, एग्जामिनेशन अगर आपको यूजीसी नेट, जीआरएफ या कोई भी दुनिया का एग्जामिनेशन आपको क्रैक करना है, तो तीन काम आपको करना चाहिए। पहला ये कि आपका बेसिक्स कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा काम ये होना चाहिए कि आपका प्रीवियस ईयर कंप्लीट होना चाहिए, और तीसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि आपका रिवीजन उसे प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, और चौथा पॉइंट ये है कि आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं बार बार। अगर ये चार काम कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है सिवाय आपके। तो मेक श्योर कि आप इतना काम कर रहे हो और आपका रिजल्ट इसी बार के एग्जामिनेशन में आ जाए, क्योंकि अगर आप डिले करोगे और अगर प्रिपरेशन से थोड़ी सी भी दूर हटोगे तो रिजल्ट आपसे बहुत दूर चला जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस बार एकदम बहुत हायर मार्क्स लाने के चक्कर में एकदम दिन रात लगे होंगे गाइस, इस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते हो। इसीलिए सीरियस हो जाओ, स्टडी पे ध्यान दो और इन सब चीजों से दूर रहो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते हैं फॉर्म रीओपन होगा, ये वो दिस डेट। तो गाइस, आज का ताजा खबर यही है, कुछ भी नहीं होने वाला है, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी। साथ में ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लो। और फर्स्ट पेपर का, पेपर वन का कुछ मैं चैप्टर लेकर के आऊंगा, स्पेशली जहां से आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस का मैं लेकर के आऊंगा, ITC वगैरह के बारे में लेकर के आऊंगा, लर्निंग टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में लेकर के आऊंगा। तो कुछ जो मेन जो सब्जेक्ट है, मेन जो पॉइंट है, उस पे हम वीडियो लाएंगे, ताकि आपको भला हो जाए, आपका भला हो जाए और आपका सही तरीके से, जैसे कि पेपर वन में बहुत लोग फंसते हैं तो वो ना फंस पाए, क्योंकि आप पेपर वन में अगर 30+ क्वेश्चंस सही करते हो, ठीक है, और पेपर सेकेंड में आप 70 के पास भी क्वेश्चन सही करते हो, तो आपका रिजल्ट कोई भी नहीं रोक सकता है और उसमें भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगा जीआरएफ का, ठीक है। क्योंकि जीआरएफ अगर आपको लाना है तो 140+, ठीक है, आपका पेपर सेकेंड में होना चाहिए, 150 के आसपास पेपर सेकेंड में होना चाहिए और पेपर फर्स्ट में कम से कम 50+ 60+ आना चाहिए। टोटल राउंड ऑफ देखा जाए तो 200 के आसपास आप रहोगे तो मस्त आपको जीआरएफ मिलेगा और मस्त आपकी तैयारी चलेगी। उससे पहले अगर थोड़ा मोड़ा भी कम आता है तो आपको नेट तो मिल ही जाएगा, लेकिन जिनका एज बचा है, जिनका टारगेट है जीआरएफ कंप्लीट करने का, तो गाइज आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और उस दिन तक आपको मेहनत करना पड़ेगा जिस दिन तक आपका लिस्ट में नाम नहीं आ जाता। अगर सपने आपने देखे है ना, तो पूरे भी करने की हैसियत और ताकत आप ही के पास है, समझ रहे हो ना, दूसरा कोई भी पूरा नहीं कर सकता। इसलिए जस्ट डू इट गाइज, जस्ट डू इट। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।